दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय कैसियो कंपनी का 61 कीज वाला सबसे सस्ता कीबोर्ड कौन सा है। कैसियो कंपनी के अंदर ही आपको बहुत ढेर सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। अगर मिनी कीबोर्ड्स की बात करेंगे तो 5000 के अंदर तक मिनी कीबोर्ड्स कैसियो के बहुत ढेर सारे आते हैं। पहले कैसियो के बहुत फेमस SS77, 78 आता था, 76, लेकिन इस समय वो डिसकंटिन्यू हो गए। उनके जगह पे कैसियो SA80 और 81 आ गया है। उससे भी छोटा कैसियो का SA46 आता है, लेकिन ये सब मिनी कीबोर्ड्स हैं। इनमें नंबर ऑफ कीज कम होती है, 37, 44, कीज की साइज भी छोटी होती है। तो पियानो सीखने के लिए, कीबोर्ड सीखने के लिए उतना बेहतर वो कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा खासा बजाना चाहते हैं, बजाना सीखना चाहते हैं, तो आपको फुल साइज 61 कीज वाला कीबोर्ड, बड़े पियानो स्टाइल कीज वाला कीबोर्ड लेना पड़ेगा। तो आप अगर इस बात को ऑनलाइन सर्च करते हैं चीपेस्ट कैसियो 61 कीज कीबोर्ड, तो आपको बहुत ढेर सारे मॉडल ऑनलाइन दिखेंगे। उसी में से एक कीबोर्ड दिखेगा, बड़ा सा रहेगा, कैसियो CTK 240। ये भी कीबोर्ड आपको बड़ा सा दिखेगा, लेकिन इसमें 61 कीज नहीं होती है, 49 कीज होती है। ये आपको 6400 या 6500 के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन ये 61 कीज वाला कीबोर्ड नहीं होता है। तो कैसियो का सबसे सस्ता 61 कीज वाला कीबोर्ड होता है कैसियो टोन का CTS 100। इसके पहले और भी मॉडल्स आते थे, लेकिन वो इस समय डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो इस समय आप जिसको खरीद सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से मिल जाएगा, वो है कैसियो टोन का CTS 100। ये कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन शानदार लुक्स के साथ आता है। इसका वजन 3.3 केजी के आसपास होता है। इसको आप बैटरी और बिजली दोनों से चला सकते हैं। बैटरी से चलाने के लिए 6 AA साइज की बैटरीज लगेंगी, जो आपको लगभग 16 घंटे का बैकअप दे देती हैं। इस कीबोर्ड में कोई डिस्प्ले नहीं होता है, तो इस कीबोर्ड के ज्यादातर टोन्स फंक्शंस आपको इन व्हाइट कीज पे ही मिल जाता है। ये कीबोर्ड काफी पोर्टेबल होता है, एकदम मैट फिनिश में इसकी बॉडी आती है, सिंगल कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ आता है। इस कीबोर्ड को यूज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे जितने भी बड़े कीबोर्ड्स होते हैं, में इतना ज्यादा फंक्शन होगा जिसे सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक तो होता है पियानो सीखना, सुर ताल राग ये सब सीखना, लेकिन अगर आप कोई डिजिटल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा समय आपको उसके फंक्शंस को सीखने के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे, तब तक उसके फंक्शनलिटीज को कैसे यूज कर पाएंगे। तो CTS 100 में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, एकदम प्रैक्टिकल चीज है। डिस्प्ले ही नहीं होता है, सब कुछ आपको बटन में मिल जाएगा। इस कीबोर्ड को जो आंख से देख नहीं सकते आसानी से, जिनको आंख की प्रॉब्लम है, वो लोग भी आसानी से इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। बात करूं मैं इस कीबोर्ड के प्राइस का, तो एक कीबोर्ड इस समय आपको लगभग 7000 के आसपास ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें करंट प्राइस क्या चल रहा है चेक करने के लिए, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अमेजोन पे कितने का मिल जाएगा। तो इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कैसियो कंपनी का सबसे सस्ता कीबोर्ड कैसियो टोन CTS 100 है। अगर आप एक बिगनर है, अपने कीबोर्ड बजाने की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो इस कीबोर्ड को ले सकते हैं। इसमें आपको आपके काम का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। कैसियो टोन का ही CTS 200 इससे बेहतर है। उसमें डिस्प्ले भी मिल जाता है, इससे ज्यादा फीचर्स और फंक्शंस भी मिल जाते हैं। 1100 रुपए इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा उसके लिए। बाकी उसके अलावा जितना ऊपर आप पैसा लगाते जाएंगे, उतने अच्छे अच्छे फीचर फंक्शन वाले कीबोर्ड आपको मिलते जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो।